हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। चलिए आज का जो हमारा वीडियो एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर है, और इस बोर्ड में 100 वाट प्लस 200 वाट का स्पीकर इसमें लोड लेगा, एक तरफ 100 और एक तरफ 100, और ब्रिज मोड में बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें मुझे मिला है बेस के साथ। और इसमें नॉर्मली आप 8 इंची 12 इंची लास्ट 12 इंची तक का सिंगल स्पीकर इसमें बजा सकते हैं पूरा फुल साउंड में, और बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ में। अगर बेस अगर सिंपली आप सब ऊपर चलाना चाहते हैं तो 8 इंच का 2 सब ऊपर इसमें बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी में चल जाएगा, और बड़ा सब ऊपर चलाना चाहते हैं 10 इंची और उससे बड़ा तो ब्रिज मोड करके आप चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉर्मली चल जाता है, लेकिन ब्रिज मोड का मज़ा, साउंड का जो डीप मज़ा है वो अलग ही आता है। तो चलिए इस बोर्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। चलिए एक छोटा सा इंट्रो बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए यहाँ पे हमारा चैनल पे एक ज्वाइन का बटन आया हुआ है, तो ज्वाइन का बटन का लाभ आपको मैं दूंगा। तो ज्वाइन का बटन आप ज्वाइन करेंगे तो हमसे आप डायरेक्टली चैट कर पाएंगे और डायरेक्टली बात कर पाएंगे, और जो भी सहायता होगा मैं सहायता करूंगा। तो यहाँ पे एक प्लान है 29 रुपये वाला, जो लो कॉस्ट प्लान है, तो यहाँ पे 29 रुपये वाला ही प्लान मैं अभी चालू करके रखा हूँ। तो इस प्लान को ज्वाइन करेंगे तो एक मंथ के लिए आप हमसे बात कर पाएंगे, और नॉर्मली कमेंट का रिप्लाई आपको मिलते रहेगा। अधिक जानकारी के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आपको एक महीना के लिए 29 रुपये पेड करना पड़ेगा, तभी आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो ये ज्वाइन बटन आप ज्वाइन कर लें, और जो नॉर्मल कमेंट हमारे वीडियो पर आएगा उसका मैं रिप्लाई देता रहूँगा। फिलहाल जो उससे ज़्यादा बात करना अगर चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी बैंक डिटेल फिल करके आप यहाँ पर पेड कर सकते हैं 29 रुपये। तो इसलिए यहाँ पे ये बोर्ड को मैंने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और ये बोर्ड आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट में नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके इस बोर्ड को परचेज़ कर पाओगे। तो ये बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वालिटी साउंड है, और बहुत ही अच्छा पावर मुझे देखने को मिला है, और इसका जो 12 इंच का तो सिंगल बजा लेगा बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ में। और मैंने यहाँ पर 8 इंच और 10 इंच का सब बूफर में बजा रहा था, जिसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा सिंगल में भी और ब्रिज मोड में भी। तो यहाँ पर ब्रिज मोड करना आपको नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, ये बोर्ड हमारा ख़राब हो चुका है, शॉर्ट होने की वजह से मैंने खुद ही अलग तरीके से शॉर्ट कर दिया था, तो फिलहाल मैं इसको चेक करके नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन मैंने जो रिव्यू टेस्ट किया एक महीना बजा के, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगा साउंड, और बहुत ही मज़ा आया। सिर्फ बेस के लिए मैं यूज कर रहा था जिसमें कोई साउंड नहीं आता है, तो बहुत ही अच्छा बेस मुझे देखने को मिला है, और इतना अच्छा साउंड शायद किसी में ना मिल जाएगा। आईसी वाला साउंड क्वालिटी तो अलग होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर वाला है, इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। घर के लिए यूज कर सकते हैं या बाहर के लिए भी बहुत ही अच्छा, जिससे कि लगता है कि बड़ा बॉक्स और डीजे बज रहा है। यहाँ पे इस तरह का एक सर्किट मिलेगा इसके लिए, और यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी ज़्यादा लगा दिया था इसलिए एक कैपेसिटर फट चुका है। तो कैपेसिटर चेंज करेंगे, वोल्टेज ज़्यादा लगाएंगे इसका, जो 50 वोल्ट से भी ज़्यादा लगाएंगे तब जाके आपका जो कैपेसिटर ठीक रहेगा। और नॉर्मली आप 4 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ से 5 या 5.5 एम्पीयर से ऊपर का था, और वोल्टेज ज़्यादा था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा, और शॉर्ट हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है यही है, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर पाओगे। और यहाँ पे जो है इस बोर्ड में और कुछ और बात नहीं है, लगभग बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है, और कोई न्यू बोर्ड आएगा तो आपको अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊंगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर पाओगे। तो चलिए तब तक के लिए भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय।